तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेड ड्रैगन की गेमिंग पावर सप्लाई को। 80 प्लस ब्रॉन्ज में ही आती है और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक छोटा सा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि अनबॉक्सिंग का होगा, बिल्ड क्वालिटी वगैरह का होगा और इसका जो है ना पीसी के साथ अटैच करके भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे पास इससे पहले जो पावर सप्लाई थी वो थंडर की थी, वो सबसे बेकार सप्लाई थी, लेकिन जो है ना इसको भी मैं चेक करूंगा और फिर मैं आपको जो है ना वीडियो के एंड में जो एंड का क्लिप होगा उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले बात कर लेता हूँ वायर की। तो यहाँ पर सारी जो है ना साटा वायर मिल रही है, एक जो है ओके तो ये एक 6 पिन मिल रहा है और साथ में जो है 2 पिन की अलहदा सपोर्ट मिल जाती है, जो कि अगर तो आपके पास ग्राफिक कार्ड है 6 पिन का लगता है और 8 का लगता है तो उसका सपोर्ट भी इन्होंने दिया हुआ है। तो साटा केबल्स मिल रही है और वायर के जो क्वालिटी है, वायर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट क्वालिटी मिल रही है, काफ़ी देर तक मुझे लग रहा है कि चलने वाली है। तो यहाँ पर जो है ना पावर सप्लाई की तो वेट की मैं बता दूँ यार, वेट तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि इससे पहले थंडर का जो वेट था ना 500 वाट का यार, वो तो बिल्कुल ही हल्का था। इसका नो डाउट यार वाकई में जो है वेट मिल रहा है और ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ना RGPS 500 वाट 80 प्लस ब्रॉन्ज के नाम से ये आती है, ठीक है। और इसका जो मेरे ख्याल से यही मॉडल है RGPS और 80 प्लस ब्रॉन्ज, और इसका जो मॉडल यहाँ पर ये रहा मॉडल। ओके, तो यहाँ पर जो मॉडल है इसका जो है ना GCPS001, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका मॉडल। तो रेड ड्रैगन का जो है लोगो और नेम मिल जाता है, फुल रेंज में आता है। और चलिए फिर इसका जो है ना मैं पीसी के साथ अटैच करता हूँ और फिर मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक फ़ैन भी मिल जाता है, तो एक ही फ़ैन होगा मे बी, इसके अंदर लाइट वगैरह नहीं है या है, ये तो मैं ऑन करके ही पता चलेगा इसका जो लाइट का सिस्टम है अगर तो मे बी हो या नहीं हो, ये तो फिर बाद में पता चलेगा। चलिए मैं इसको अटैच करता उसके साथ पीसी के साथ, तो फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। और दोस्तों तो आप लोगों को कैसी लगी है रेड ड्रैगन की गेमिंग पावर सप्लाई? मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि इसके यार जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी वायर क्वालिटी यार वो नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है। वैसे भी जो रेड ड्रैगन की क्वालिटी वाइज वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, तो रेकमेंडेड है। क्योंकि मैं इसलिए रेकमेंडेड कह रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना 1 मंथ के यूज़ के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि पावर सप्लाई इतने मंथ के बाद अभी तक सही चल रही है। तो इस तरह आपको भी एक आइडिया
आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैं अपडेट देता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, और इसकी जो प्राइस है वो भी मिल जाएगी, और मैंने जहाँ से ली है उसका जो एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टार्टेक वालों का। तो काफ़ी अच्छी जो है पावर सप्लाई है, लेकिन थंडर से यार बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी तो जो रेड ड्रैगन की अभी न्यू ली है तो ये भी ट्राई की है, तो चेक करके मैं आपको सारा जो है ना डिस्क्रिप्शन में अपडेट देता रहूँगा। ठीक हो गया, अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।